गलवान घाटी में हुई दर्दनाक घटना के बाद से ही भारत में चीन के प्रति एक रोष पैदा हो चुका है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से चीन को जवाब देने की बात कर रहा है। लोग चीनी सामान का खुलकर विरोध कर रहे हैं और सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि चीनी कंपनियों को यहां से उखाड़ फेंकिए। ऐसे में गौर किया जाए तो एक बात साफ है कि चीन ने पूरी तरह भारतीय बाजारों को कब्जाया हुआ है। खासतौर पर देखा जाए तो भारतीय मोबाइल फोन बाजार पूरी तरह से चाइनीज कंपनियों की हिस्सेदारी वाली कंपनियों की गिरफ्त में है। भारतीय मोबाइल फोन बाजार में चीनी मोबाइल कंपनियों की एक बड़ी हिस्सेदारी है। इनमें मुख्य तौर पर शाओमी, वीवो, रियलमी, ओप्पो जैसी कंपनियां शामिल हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च की भारत के मोबाइल फोन मार्केट में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी का पता चलता है। 2020 की पहली तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक भारत के स्मार्टफोन बाजार में टॉप 5 हिस्सेदारी वाली कंपनियों में 4 कंपनियां चीन की ही हैं। आइए देखते हैं स्मार्टफोन बाजार में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन के बाजार में मार्केट शेयर के मामले में पहले नंबर पर शाओमी है, जिसे आमतौर पर MI भी कहा जाता है। 2020 की पहली तिमाही में चीनी कंपनी की हिस्सेदारी 30% रही, मतलब 2020 की पहली तिमाही अर्थात जनवरी से मार्च तक देश में जितने भी फोन बिके उनमें से 30% फोन शाओमी के थे। इससे पहले साल की समान तिमाही में ये दर 29% थी। इसके बाद दूसरे स्थान पर भी चीनी कंपनी वीवो है, जिसकी बाजार में हिस्सेदारी 17% है। इससे पिछले साल की समान तिमाही में यह 12% की थी, मतलब ये चीनी कंपनी भी साल दर साल अपना विस्तार कर रही है। भारतीय स्मार्टफोन बाजार में तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग है, जिसकी हिस्सेदारी 16% है। ये साल 2019 की पहली तिमाही के 24% के मुकाबले कम हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि चीनी कंपनियां भारतीय बाजार पर धीरे धीरे कब्जा किए जा रही हैं। स्मार्टफोन बाजार में चौथे नंबर पर है रियलमी और ये भी एक चीन की ही कंपनी है। इसकी बाजार में हिस्सेदारी 14% है, जो पिछले साल समान तिमाही में 7% थी। चीनी कंपनी रियलमी ने पिछले साल के मुकाबले 100% का इजाफा किया है। पांचवें स्थान पर भी चीनी कंपनी ओप्पो है, जिसका मार्केट शेयर 2020 की पहली तिमाही में 12% रहा। 2019 की पहली तिमाही में ये 7% था। मतलब ये है कि इस चीनी कंपनी ने भी पिछले साल के मुकाबले खुद को भारतीय बाजार में मजबूत किया है। इन कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनियों की कुल हिस्सेदारी 11% ही है। इन सभी आंकड़ों से ये बात तो साबित हो गई है कि किसी अन्य बाजार के मुकाबले स्मार्टफोन बाजार में चीनी कंपनियों ने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं, जिन्हें डगमगाना बिल्कुल भी आसान नहीं है।